टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जितने बेहतर बल्लेबाज हैं उतनी ही सजगता से मैदान पर फील्डिंग करते हुए भी नजर आते हैं। विराट ने इसकी झलक वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भी दिखाई, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन पर शिमरॉन हेटमायर का शानदार कैच लपका। वेस्टइंडीज ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले में 8 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने शिवम दुबे के अर्धशतक की बदौलत 7 विकेट पर 170 रन बनाए, जिसके बाद मेहमान टीम ने ओपनर सिमंस की शानदार पारी की मदद से 2 विकेट खोकर 18.3 ओवरों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। विराट ने हेटमायर को पवेलियन भेजने में अहम भूमिका निभाई और रविंद्र जडेजा की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। वो कैच लपकने के बाद मैदान पर गिर भी गए लेकिन बॉल को नहीं छोड़ा। मैच के बाद जब उनसे इस कैच के बारे में पूछा गया तो विराट ने कहा कि ये कुछ इस तरह के कैच होते हैं जब गेंद हाथ में फंस जाती है। मैं गेंद को देख रहा था, फिर दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और सौभाग्य रहा कि गेंद मेरे हाथों में आकर आ फंसी। उन्होंने कहा कि पिछले मैच में मैंने एक हाथ से कैच लेने की कोशिश की थी लेकिन कैच नहीं पकड़ पाया था। आप कोशिश करते हैं लेकिन कई बार आप सफल होते हैं और कई बार कैच लेने में कामयाब नहीं हो पाते। विराट इस मैच में 17 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 19 रन ही बना सके। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 11 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो सीरीज का निर्णायक मैच भी होगा। अब देखना है कि विराट कोहली किस तरीके से तीसरे मैच में अपनी टीम को आगे लेकर आते हैं। एएनपी न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।